हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग अप फ्रंट इन्वेस्टिंग दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स लेके आए हैं और ये स्टॉक्स अभी हमको is, अपने से 40 45 के पे मिल रहे हैं तो फ्रेंड्स इनमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए शुड वी बाय इट और बाय इट दैट इज बी यूवाई वर्सेज बी वाई तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में उन सभी स्टॉक्स पे ये आंसर जानने की कोशिश करेंगे तो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप वीडियो को 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं लेकिन दोस्तों जब भी आप इस वीडियो को देखें देखें एंड तक जरूर और फ्रेंड्स एट द सेम टाइम वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी बाइंग और सेलिंग कॉल प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ यू वांट टू बाय और सेल एनी स्टॉक सो फ्रेंड्स लेट्स चेक फर्स्ट स्टॉक अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल इसका सेवनटीन करोड़ रुपीज है और करंट प्राइस की बात करें तो ये अभी करंटली 1654 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो इसने ऑल टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइव रुपीज का तो दो, दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्काउंट ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल रहा है और फ्रेंड्स इसका टू हंड्रेड डीएमए है और वहां से भी अभी इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट हमको मिल रहा है तो फ्रेंड ऑल इन ऑल इसकी वेल्युएशन इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव मुझे लग रही हैं। और आर देखिए दोस्तों 46.6 परसेंट का है और आर भी काफी स्ट्रॉग है स्टैंड एट थर्टी परसेंट और प्रमोटर होल्डिंग्स देखिए इसमें 78.5 परसेंट की शानदार प्रमोटर होल्डिंग है तो फ्रेंड्स और भी आगे फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे सेल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों जो फंडामेंटल में एक बहुत क्रिटिकल पैरामीटर होता है और आपको जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट

40 पे पहुंच चुके हैं और वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो करोड़ से बढ़ते-बढ़ते टू हंड्रेड फिफ्टी नाइन करोड़ एज फ्रेंड्स प्रॉफिट में भी काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है फ्रॉम 49 टू 98 देन फ्रॉम टू 140 फोर्टी

वहीं लास्ट थ्री ईयर में ट्वेंटी परसेंट और करंटली इट स्टैंड नाउ मूविंग टू कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो लास्ट फाइव ईयर में थर्टी सेवन परसेंट लास्ट थ्री ईयर्स में थर्टी थ्री परसेंट और लास्ट करंटली इट स्टैंड थ्री परसेंट तो दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बहुत ही शानदार हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो फोर्टी परसेंट इन लास्ट फाइव ईयर्स फोर्टी परसेंट इन लास्ट थ्री इयर्स एंड करंटली इट स्टैंड फाइव परसेंट और अगर हम स्टॉक प्राइस सी देखें तो आप देख चुके हैं ये अपने ऑल टाइम हाई से कितने अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमको मिल रहा है इनफैक्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज से भी ये बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है तो फ्रेंड्स सेल्स बढ़ रही हैं प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और इसका स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई से काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमको मिल रहा है तो आई थिंक दिस इज अ रियल डिस्काउंट और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की सोच रहे हैं तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज यूटिलाइज़ तो फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का अगर हम रिजर्व की बात करें तो 143 करोड़ से बढ़ते बढ़ते हो गए हैं 864 करोड़ और अगर बोरोइंग्स कर्ज कितना ले रखा है कंपनी ने सिर्फ एक करोड़ का कर्ज है और कैश कितना है इसके पास 864 हंड्रेड सिक्सटी फोर तो ऑबियसली अगर माइनस कर दें तो 863 करोड़ का कैश तो अभी भी बचता है तो कैश बहुत स्ट्रांग है कंपनी के पास और टोटल एसेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर अपने एसेट्स को बढ़ाती ही चली जा रही है यानी कि कैपेक्स पे भी कंपनी बिल्कुल अच्छी तरह से फोकस्ड है दोस्तों आप देख सकते हैं 179 करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते ये 1030 करोड़ पे पहुंच चुकी है जो काफी पॉजिटिव है तो फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली कंपनी इज वेरी एबल और दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए 78.5 परसेंट का स्टेक तो प्रमोटर्स के पास खुद के पास ही है और अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 4.52 परसेंट का स्टेक एफ के पास है 4.39 परसेंट का स्टेक डी के पास है और पब्लिक के पास है सिर्फ ट्वेल्व का स्टेक तो ऑल इन ऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी स्ट्रांग तो दोस्तों अगर कंपनी के कोर बिजनेस की बात करें तो फ्रेंड्स आप एक लाइन में ये समझ सकते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग आर एंड डी इन हाउस कैपेबिलिटी तो फ्रेंड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी इन्वेस्टमेंट करती है और कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन कर करके मार्केट डिमांड के, के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती रहती है फॉर्मुलेट करती रहती है एंड मोर ओवर इट ऑफर्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सर्विंग मल्टीपल एंड यूजर इंडस्ट्री अब जहां पे इसकी मेन फोकस है मेन बिजनेस क्राइटेरिया है तो फ्रेंड्स वो इन एरिया देख लेते हैं आप देख सकते हैं एफ केमिकल्स में परफॉर्मेंस केमिकल्स में एंड फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स तो दोस्तों इन तीनों सेक्टर्स में ये स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस केमिकल्स में परफॉर्म करती है और इनफैक्ट लीड भी करती है दोस्तों अब हम इन तीनों प्रोडक्ट सेगमेंट्स को डिटेल में देख लेते हैं अगर हम एफ एम सी जी केमिकल्स की बात करें तो वहां पर कौन कौन से स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है वो हम यहां पे देख सकते हैं तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एनिसोल एंड देन फोर मिथाइल एसीफिन एंड गायक थर्ड प्रोडक्ट इज गायकोल और दोस्तों इन तीनों प्रोडक्ट की डाउन डाउन स्ट्रीमिंग से फॉर्मुलेशन से ये और भी कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है जो इन्हीं के पास मोनोपोली रिजर्व है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इसी के ईसी के डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने में आर डी में काफी एक्सपर्ट हैं और यहां पे इस यही कारण है इसकी मोनोपोली का और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इनकी सबसे मेन प्रोडक्ट की दैट इज एनीसोल जो एक की स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर एग्रोकेमिकल्स फ्लेवर्स फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स तो एनिसोल इज प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली सिंथेटिकली एंड इज अ प्रीकर्सर टू अदर सिंथेटिक तो दोस्तों ये आगे यूज होता है टू मेक परफ्यूम इंसेक्ट फिनोम्स एंड फार्मास्यूटिकल्स तो ऑल इन ऑल इसी प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस बहुत वाइड है और दोस्तों अगर परफॉर्मेंस केमिकल सेक्टर की बात करें तो इसका यहां पे की इंग्रेडिएंट है एम ई एच क्यू दैट इज मोनोमिथाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्यूनिन और दोस्तों ये भी इसका काफी की परफॉर्मेंस केमिकल है जो यूज होता है कहां-कहां पे एक्राइलिक फाइबर्स में पेंट्स में इंक में एडहेसिव में एंड अदर पॉलीमर्स में इट इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथाइल एक्राइलिक एंड अदर एसीटाइल्स वेनाइल एसीटेट मोनोमर्स एंड दैट इज वाम स्टाइरीन मोनोमर एंड इन अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर्स एटसेट्रा और फ्रेंड्स अगर हम इसकी फार्मा बिजनेस की बात करें तो वहां पे मेन इंग्रेडिएंट, मेन केमिकल परफॉर्मेंस केमिकल जो आता है वो है ग्लाइकोल। और फ्रेंड्स इसकी खास बात ये है जिस फॉर्मुलेशन से जिस प्रोसेस से ग्लाइकोल बनता है वो टोटली totally ग्रीन है और उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ ग्लाइकोल और वाटर। तो फ्रेंड्स और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है और इसकी स्पेशल यूजेज आती है परफ्यूमरी में फ्लेवरिंग एजेंट्स में और कुछ एग्रोकेमिकल्स में भी इसका यूज होता है और फ्रेंड्स अगर हम इसकी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो तो दो, दोस्तों ये अपने फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ के लिए कॉन्टिन्यूसली आर एंड डी पे फोकस्ड रहते हैं और नई नई इनोवेशन से प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते रहते हैं और जैसे कि यहां पे लिखा है वी आर अमंग द लीडिंग कंपनीज इन इंडिया टू हैव कॉमर्शियल यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर सर्टेन केमिकल्स एट ग्लोबल कैपेसिटीज तो कहने का मतलब ये है कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स में जैसे कि हम बता चुके हैं ये ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे एक लीडिंग कंपनी है और friends, का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और दोस्तों हमने इसकी थोड़ी सी प्रोडक्ट समरी आपकी स्क्रीन पे कैप्चर करने की कोशिश की है आप वहां पर गो थ्रू कर सकते हैं नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों हमारे नेक्स्ट स्टॉक की मार्केट कैपिटल देख लीजिए सिर्फ 8,598 करोड़ है तो एक छोटी सी कंपनी है और करंट प्राइस की बात करें तो तो सिर्फ 324 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है ऑल टाइम हाई देखा जाए तो फाइव हंड्रेड का इसने ऑल टाइम हाई टच किया है और अगर हम इसकी आर की बात करें तो 25.6 परसेंट पे इसका आर है और आर 22 परसेंट का है वहीं प्रमोटर होल्डिंग शानदार है एट 72.5 और इसका अगर 200 हंड्रेड डीएमए देखें तो थ्री हंड्रेड फिफ्टी वन रूपीज का इसका टू हंड्रेड डीएमए है तो दोस्तों ये अभी करंटली ये स्टॉक भी अपने टू हंड्रेड डीएम डीएमए से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है तो ऑल इन ऑल ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पे अच्छी खासी वैल्यूएशन पे करंटली अवेलेबल है और फ्रेंड्स सेल्स की बात कर लेते हैं मार्च 2016 में इसकी सेल्स 1047 करोड़ की हुई थी और जो बढ़ते बढ़ते ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रहा है और अभी इसकी सेल्स हैं थ्री थाउजेंड एटी फोर करोड़ यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डेंट है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड इफेक्ट तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ट्वेंटी सेवन करोड़ से बढ़ते बढ़ते हो गए है टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेते हैं एटी करोड़ से बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन करोड़ पे पहुंच चुका है तो फ्रेंड्स सेल्स प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज एंड नेट प्रॉफिट ये सभी इन लाइन ग्रो कर रहे हैं और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो लास्ट फाइव ईयर में इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है ट्वेंटी थ्री परसेंट एंड इन लास्ट थ्री ईयर एट ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड करंटली एट फोर्टी एट परसेंट तो ग्रोथ देखने को मिल रही है शानदार और लास्ट फाइव ईयर में प्रॉफिट की बात करें तो 29% परसेंट की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसने क्लॉक की है तो शानदार जंप हमको करंटली रिटर्न ऑन इक्विटी इज ट्वेंटी टू परसेंट और स्टॉक प्राइस सी एजीआर की बात करें तो अभी ये, काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमको मिल रहा है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई वैल्यू और दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की तो आप देख सकते हैं इसकी टोटल रिजर्व कंपनी के करंटली 1,248 करोड़ पे पहुंच चुके हैं और अगर हम बोरोइंग्स की बात करें और फ्रेंड्स अब कर्ज देख लेते हैं कंपनी के पास डेट कितना है तो 139 करोड़ का कंपनी के पास डेट है कुल मिला के करंटली कंपनी इज डेट फ्री और टोटल एसेट्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं 649 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं हो गए हैं 2265 करोड़ जो काफी शानदार ग्रोथ माना जाएगा तो फ्रेंड्स अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास है 72.53 परसेंट का स्टेक एफ के पास है 0.6 पॉइंट परसेंट का स्टेक वहीं डीआईआई की होल्डिंग है 3.22 परसेंट और पब्लिक होल्ड्स 23.66 परसेंट ऑफ स्टेक तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स इसके स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिल रहे हैं और फ्रेंड्स आप बात कर, करते हैं कंपनी के कोर बिजनेस की कंपनी के मेन बिजनेस की तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज इज अ स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर फोकस्ड ऑन टू की बिजनेस सेगमेंट्स एंड दीज सेगमेंट्स आर एसीटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स तो फ्रेंड्स अगर इन दोनों मेन बिजनेस को मेन क्लासेस को आगे फर्दर डिवाइड करें तो इसकी एसिटाइल इंटरमीडिएट्स आगे फर्दर दो ब्रांचिंग है जिसमें आते हैं सोल्वेंट्स एंड एलडी तो दोस्तों अगर हम इसकी डिटेल में स्टडी करें तो आर एसिटाइल ऑफ एसिडाइल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बल्क सॉल्वेंट्स एंड एलडी और अगर बात करें इनकी एप्लीकेशंस की इनकी बिजनेस यूजेस की तो ये यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में प्रिंटिंग इंक्स में एडहेसिव में और कोटिंग्स में और फ्रेंड्स जैसा कि आप पढ़ सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ डीप इंडस्ट्री नॉलेज अ कमिटमेंट ऑफ इनोवेशन एंड अ अ फोकस्ड एक्सीलेंस मेड लक्ष्मी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एंडल इंटरमीडिएट्स तो कंपनी क्लियरली स्पेशलिटी केमिकल में टाइल इंटरमीडिएट्स में एक लीडिंग ब्रांड है और अब बात करते हैं इसकी सेकेंड कैटेगरी की जो है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की ब्रांचिंग देखें तो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज दैट इज डाइकेटिन एस्टर्स

रिस्पेक्टेड नेम इन स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स तो कुल मिला के लीडिंग मैनुफेक्चर है एक स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स एंड एप्लीकेशन दैट इज अड वी ऑफ एप्लीकेशन तो दोस्तों यही कुछ बारीकियां होती हैं जो हमें स्पेशलिटी केमिकल में स्टडी करनी होती है और यही बारीक बारीक चीज हर स्पेशलिटी मैन्युफेक्चरर को दूसरे स्पेशलिटी मैन्युफैक्चर से अलग बनाती है देखने में भले ही ही ऊपर-ऊपर से सेम नजर आए, केमिकल कंपनी सारी एक हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है सबका बिजनेस मॉडल अपने स्क्रीन पे नजर आ रही है इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पॉज वीडियो एंड गो थ्रू द डिटेल्स यू विल फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल फॉर योर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव और फ्रेंड्स अगर हम डिटेल में इसकी एप्लीकेशंस की बात करें इन लाइफ साइंस दैट इज इन फार्मास्यूटिकल्स तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं फ्रेंड्स इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं हेल्थ डिसऑर्डर सच एज हाइपर टेंशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड हाई कोलेस्ट्रोल आर प्रोडक्ट्स ऑल्सो सर्व एज इंटरमीडिएट्स फॉर मैनुफेक्चरिंग वाइड एरे ऑफ फार्मास्यूटिकल सच एज एंटीक्लोटेंट एंटी फ्लिमेटरी एंटी मलेरियल एंटी मोर. तो फ्रेंड्स और भी कुछ कैटेगरीज के लिए इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं अगर हम एग्रोकेमिकल्स यानी कि क्रॉप साइंस एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप साइंस केमिकल्स रिक्वायर ऑन गोइंग इनोवेशन एंड टू डील विद इश्यूज लाइक पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस एंड एनवायरमेंट रेगुलेशन क्यूंकि फ्रेंड्स अगर क्रॉप साइंस की बात करें तो बहुत सारे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है सब कंपनीज को एंड आर लार्ज स्केल मल्टीपर्पज प्लांट्स आर इक्विप टू प्रोड्यूस मल्टीपल केमिस्ट्रीज फॉर क्रॉप एप्लीकेशन साइंस एप्लीकेशन और एप्लीकेशन की बात करें तो हार्बिसाइड हार्बिसाइड सेफनर एंड पिकलिंग ड्यूरिंग सी ट्रीटमेंट सच एज एस डी इनहिबिटर्स और एप्लीकेशन की नेक्स्ट कैटेगरी आती है पेंट्स कोटिंग्स एंड इंक्स की तो दोस्तों इसके जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं वो यूज होती है पेपर में प्लास्टिक में और टेक्सटाइल में और ये यूज होता है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है एक ग्रुप से जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेगमेंट्स डाई स्टफ एंड प्रिंटिंग इंक्स

फ्रेग्रेंस केमिकल्स यहाँ पे डिफाइंड है जो कि यूज होती हैं स्ट्रॉबेरीज कॉफीज और येलो पैशन फ्रूट्स की फ्रेगरेंस के लिए और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग में तो आप डिटेल में आप अपनी स्क्रीन पे डिटेल्स हैं थ्रू कर सकते हैं और फ्रेंड्स अगर सॉल्वेंट एप्लीकेशंस की बात करें तो ये अपने आप में ही एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती हैं एज अ लीडर इन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स लक्ष्मी मैन्युफेक्चर अ वाइड रेंज ऑफ सोल्वेंट्स फॉर वराइटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग हेल्थ केयर पैकेजिंग एग्रोकेमिकल्स डाइंग प्रिंटिंग एंड मच मोर तो फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन देखिए आप कितनी वाइड है कितनी ब्रॉड है और ये इन्हीं में स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती रहती है टू इंक्रीज इस बिजनेस एंड क्लाइंट ऑल्सो तो फ्रेंड्स स्टॉक की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे दी गई है आप गो थ्रू कर सकते हैं और फ्रेंड्स स्टॉक का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए गए हैं आप इन दोनों वीडियोस को एंड तक जरूर देखें और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो